प्राकृतिक आपदाएं अचानक ही आती हैं और जगह जगह लोगों को चौंकाती रहती हैं। अक्सर रोड, रेल और संचार नेटवर्क टूटने से आपदा की खबर देना, लोगों को मदद पहुंचाना मुश्किल हो जाता है। एक जर्मन टेक्निकल यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक मॉडल हेलीकॉप्टरों को ऐसी तकनीक से लैस कर रहे हैं ताकि इस समस्या से निपटा जा सके। क्वाड्रोकॉप्टर, यानी आपदा में मदद देने वाली तकनीक। हेयान तूफान के बाद फिलीपींस का नजारा। नवंबर 2013 में आए शक्तिशाली तूफान ने बिजली और इमरजेंसी सेवाओं को भी ध्वस्त कर दिया, लेकिन इस क्वाड्रोकॉप्टर के जरिए आपदा के बावजूद दुश्वार जगहों तक पहुंचा जा सकता है। इल्मेनाउ यूनिवर्सिटी के आईटी एक्सपर्ट टोबिया सिमोन अपने साथियों के साथ ऐसे मिनी हेलीकॉप्टरों पर काम कर रहे हैं जो टूटे हुए रेडियो संपर्क को जोड़ सके। आपदा वाले इलाके में हमारे सिस्टम का अलग अलग इस्तेमाल हो सकता है, जैसे नेटवर्क के सेंटरों का पता करना, नेटवर्क होल्स को खत्म करना, जरूरत होने पर नेटवर्क बनाना या मरम्मत करना। इसके लिए टोबियास की टीम ने वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी से लैस कॉप्टर बनाया है। तकनीक कुछ मोबाइल नेटवर्क जैसी है। आईटी एक्सपर्टों ने मॉडल हेलीकॉप्टरों को इस तरह प्रोग्राम किया है कि वे खुद तय कर सकें कि उन्हें कब स्टार्ट करना है, उड़ना है और नेटवर्क को रिपेयर करना है। क्वाड्रोकॉप्टरों की खास बात यह है कि वो पूरी तरह लिनक्स सिस्टम पर आधारित हैं। इसका मतलब कि बेसिक स्टेबलाइजेशन, नेविगेशन और अलग अलग कॉप्टरों के बीच मिशन कोऑर्डिनेशन, सारा काम एक ही जगह से होता है। ये कॉप्टर रेडियो संपर्क को किस तरह फिर से बहाल करते हैं, इसे ये टेस्ट दिखाता है। चार नेटबुकों के जरिए एक काम करने वाले नेटवर्क को सिमुलेट किया जाता है। यहाँ हर नेटबुक नेटवर्क रूटर का प्रतीक है। आपदा क्षेत्र में जैसे ही एक रूटर काम करना बंद कर देता है, बेस स्टेशन नेटवर्क में गड़बड़ी की खबर देता है। ये सूचना कॉप्टर को मिलती है और वह अपने आप रिपेयर प्रोग्राम शुरू कर देता है। और जब गड़बड़ी के स्रोत का पता चल जाता है तो कॉप्टर ये आकलन करता है कि नेटवर्क में कमी कहाँ है। कॉप्टर खुद वहाँ पहुँचता है और स्कैन मोड से एडहॉक मोड में चला जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि कॉप्टर नेटवर्क रूटर की जगह ले लेता है। वह अपनी वायरलेस नेटवर्क तकनीक की मदद से पड़ोसी रूटर के साथ इंटरनेट संपर्क कायम करता है। इससे नेटवर्क में आई दरार भर जाती है और पूरा नेटवर्क फिर से काम करने लगता है। कॉप्टर की सबसे बड़ी चुनौती उसके उड़ने का समय है। सबसे हल्का मॉडल सिर्फ 20 मिनट तक हवा में रह सकता है, लेकिन उड़ान के समय को बढ़ाने की संभावनाएं भी हैं। मसलन कॉप्टर को किसी छत पर उतारा जा सकता है, उसे किसी ऊंची जगह पर उतार कर मोटर को और प्रोपेलर को ऑफ कर सकते हैं और फिर हेलीकॉप्टर के कंप्यूटर सिस्टम और कम्युनिकेशंस को चालू रख सकते हैं। इस तरह ऊर्जा बचाकर हेलीकॉप्टर को कई दिनों तक काम में लगाया जा सकता है। भारत, पाकिस्तान और यूक्रेन जैसे देशों के आईटी एक्सपर्ट भी टोबिया सिमोन के साथ क्वाड्रोकॉप्टर को बेहतर बनाने के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। अगले कुछ महीनों में ये मॉडल हेलीकॉप्टर रिमोट के बिना एंटीना के जरिए काम करने लगेंगे। एक साल में वे मोबाइल नेटवर्क को रिपेयर करने की हालत में होंगे।